वन, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि इंडिया इन लिथियम रेस, भारत की लिथियम खोज को बढ़ावा देने के लिए अर्जेंटीना ने चाइना को मिलेगी टक्कर, है ना। तो क्या सिनेरियो यहाँ पर बैठ रहा है और क्या चीज़ें नई यहाँ पर इनोवेशन हो रहा है, उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट बड़ी अच्छी सी आई है और डेफिनेटली यह है आने वाले न्यू इंडिया की एक नई पहल है, और अगर ये फॉर्मूला सक्सेसफुल हो जाता है तो डेफिनेटली हम चाइना को टक्कर देंगे इस मामले में। यह यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का एक छोटा सा नरेटिव रखा गया है, और वर्ल्ड सिनेरियो में ये क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इन चीज़ों के बारे में है, तो चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स, आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस बाय मोटू। अगर आपको ऐसे बेहतरीन वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, भूलिएगा मत। चलिए यहाँ पर मेन जो मैं आपको रिपोर्ट बताऊँ, तो देखो एबीपी न्यूज़ की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, और उसके अंदर यहाँ पर कहा गया कि इंडिया इन लिथियम रेस, इंडिया की जो है लिथियम खोज को बढ़ावा देने अर्जेंटीना बढ़ावा देगा। अर्जेंटीना में हो रही है, अर्जेंटीना के अंदर हो रही है, तो अर्जेंटीना बढ़ावा दे रहा है, और चीन को इससे टक्कर मिलेगी। डेफिनेटली चीन को इसमें मिलने वाली है सबसे ज़्यादा। चीन इसी चीज़ का क्या करता है, हाँ, खरीदार है, तो अब इंडिया बन जाएगा, है ना। तो इंडिया इन लिथियम, देखो इसमें क्या है कि इंडिया जो है वो लिथियम एक्सप्रेशन जो है इंडिया के लिए अगर सोचा जाए तो इस नैरेटिव में इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस मामले में, और भारत ने अर्जेंटीना में लिथियम की खोज और उसे माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर जो जनवरी के अंदर कर लिए थे, और ये प्रोजेक्ट जो है वो सफल होता है तो चाइना को टक्कर मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है भारत की तरफ से, ठीक है। और लिथियम का क्या यूज़ रहेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लिथियम का ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर अर्जेंटीना ने भी सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने के स्वामित्व वाली खनन कंपनी जो है ना, कैमियन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में लिथियम समृद्ध है ना एटामार्गा प्रांत जो है उसके गवर्नर जो है राहुल जिल इस साल भारत आने की उम्मीद है। राहुल जिल की प्रस्तावित यात्रा है भारत की, और इसमें अहम तौर पर अगर माना जाए तो ये बात ज़रूर आएगी, और लिथियम की एक विश्वसनीय स्रोत के सुनिश्चित करने में भारत की पहल को बढ़ावा मिलेगा। इस मामले में मुद्दे पर चर्चा जरूर होनी है। इसी साल भारत में अर्जेंटीना के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो 15 जनवरी को अर्जेंटीना ने लिथियम की खोज के लिए खनन प्रोजेक्ट जो था, परियोजना जो थी, उस पर एक हस्ताक्षर किया था, और साथ ही साथ में खनन मंत्रालय के मुताबिक इस समझौते से लिथियम को सोर्सिंग के लिए भारत को प्रयासों को और ज़्यादातर प्रोत्साहन मिलेगा। खनिज विदेश इंडियन लिमिटेड के बिल है ना कैबिल जो है खनन विदेश इंडियन लिमिटेड ये कंपनी है KBIL, ओके KBIL जो है वो 5 लिथियम बॉक्स की खोज कर रही है, और इसके ऊपर विकास चल रहा है काम पर। तो लिथियम का अमूमन उपयोग कहाँ होगा, तो लिथियम का वाहनों की बैटरी जो बनाई जाती है उसमें लिथियम के सेल काम में लिए जाते हैं। लिथियम के सेल आपने देखे होंगे, डेफिनेटली चार्जेबल सेल जो आते हैं, बैटरीज आती हैं, डेफिनेटली लिथियम का काफ़ी यूज़ है, और आने वाले समय में इन सभी के ऊपर एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। और खनन मंत्रालय के मुताबिक अगर जो बयान दिया गया उसके अंदर भारत की किसी सरकारी कंपनी की पहली लिथियम खोज है और खनन योजना है ना। तो KBIL जो है उस कंपनी ने अर्जेंटीना के अंदर जो प्रांत है वहाँ पर जाकर 15,703 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए पांच लिथियम बाइन बॉक्सेस है ना। तो इसके अंदर कार्बो कोटोडेका 1, कोटोडेका 7, कोटोडेका 8, कैटो 202 01 8 10 132 और कोटेडेका 6 की खोज की है। ये सभी खनिज हैं। ये जो लिथियम के जो अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड करी गई हैं उनके अंदर खोज हो रही है और विकास दर कार्य है ना। और यहाँ पर जो है अर्जेंटीना की यहाँ पर एक ऑफिस भी बनाया अर्जेंटीना के अंदर तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत लगभग 200 करोड़ रुपए का यहाँ पर ऑफिस भी बनाने की बात कर रही हैं। ऑफिस एक शाखा स्थापित करने की तैयारी में है क्योंकि इस योजना के तहत लगभग इतना रुपए लगेगा, ओके। तो एक ऑफिस बनाकर वहाँ पर काम को सुचारू रूप से करा जाएगा। भारत को लिथियम को खोज में जल्दबाजी क्यों करनी चाहिए, तो चीन जो है वो
माइनिंग ग्रुप जो है उनका, जैसे कि कई वैश्विक कंपनियां जो है अर्जेंटीना के लिथियम बाजार के अंदर कदम रख चुकी है, और चाइनीज कंपनियां जो है वो बोलिविया और चिली, मैं आपको इसका एक ट्रायंगल बताऊंगा जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा, बोलिविया और चिली के बीच में एक ट्रायंगल बनता है उसे लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं। चीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से बड़ी मात्रा में लिथियम का आयात करता है, तो सबसे बड़ा आयात करने वाला देश है लिथियम का कौन, चाइना। दुनिया की आधे से ज्यादा लिथियम शोध जो है क्षमता उनके पास में है, और उसमें से अफ्रीका जो है, अफ्रीकी बाजार है उसमें भी निवेश कर चुका है चाइना। तो डेफिनेटली चाइना एक तरफा यहाँ पर चल रहा है, और डेफिनेटली खनन मंत्रालय ने के मुताबिक ये भी कहा गया है कि कुल लिथियम संसाधनों का आधे से अधिक की मौजूदगी के कारण अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया जो है उन तीनों के बीच में जो लिथियम ट्रायंगल है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वह इस दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा लिथियम स्रोत है, तीसरा सबसे बड़ा लिथियम स्रोत भंडार है, और चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो तीनों चारों चीजें एक साथ लिख दी गई, दूसरा सबसे बड़ा लिथियम स्रोत है, तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार है, और चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है, तो ऐसा गौरव उनको प्राप्त हुआ है। तो भारत की ये योजना जो है अगर सफल हो जाती है तो डेफिनेटली चाइना की उम्मीदों को पानी फेर दिया जाएगा भारत की तरफ से। अब मैं इस ट्रायंगल को आपको बता देता हूं कि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, इन तीनों के बीच में ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये डेफिनेटली आपको दिखा रहा है कि किस तरह से ये तीनों जगह में भारी मात्रा में आपको यहाँ पर है ना लिथियम मिलता है। ये जो ट्रायंगल है ये मैंने आपको यहाँ पर, ये जो है ये अफ्रीका के जो लिथियम के स्रोत है वहां की एक पिक्चर मैंने आप लोगों के साथ साझा करी है। भारतीय कंपनियों के लिए ये अभी देरी नहीं हुई है, अब जरूरी अगर पहुंचेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। एक मिंट की रिपोर्ट के अनुसार कैमियन की अध्यक्षता में सुजाना पेरालेटा ने कहा है कि भारतीय कंपनियों के लिए अभी भी देरी नहीं हुई है, लेकिन अगर आप खोज के 5 वर्षों पर विचार करते हो तो भारतीय कंपनियों को आगे बढ़कर शुरुआत कर देनी चाहिए और लिथियम की कंपनियों में भागीदारी को लेकर कार्य करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है कार्रवाई को बढ़ावा देना चाहिए। लिथियम के वैश्विक उत्पादन बढ़ने का अनुमान है, डेफिनेटली है, और यहाँ पर अगर देखें तो लिथियम की वैश्विक उत्पादन में 2030 तक भारी मात्रा में बढ़ोतरी होगी। लगभग ये कह रहा है कि 20% बढ़कर 3 मिलियन टन तक पहुँचने की उम्मीद है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्टिंग होगी, काफ़ी डिवाइस जो होते हैं उसके अंदर भी लिथियम काम में आता है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती बिक्री और ऊर्जा के परिवर्तन की मामलों में मांग जो है उसमें भी लिथियम की मांग काफ़ी ज़्यादातर बढ़ रही है, जिसमें अर्जेंटीना जैसे देश फायदा होगा उनको। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड में भी लिथियम के भंडार खोजे गए हैं, डेफिनेटली उस पर भी काम हो रहा है, तो भारत के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। डेफिनेटली आने वाले समय में भारत इस मामले में बहुत तरीके से काम करेगा, और डेफिनेटली आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी, और इसको बिल्कुल आम भाषा में मैंने साधारणतः आपको स्पष्ट करा होगा। इसमें 2-3 मुद्दे थे जो मैंने आपको रखा। इसे लिथियम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, ध्यान रखना, सफ़ेद सोना कहा जाता है, और सॉफ्ट चांदी भी बोला जाता है, सफ़ेद धातु भी बोला जाता है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु होता है, ठीक है। और इसका गुण जो होता है वो उच्च क्रियाशीलता होती है, प्रतिक्रियाशीलता होती है, और साथ में कम घनत्व होता है, उत्कृष्ट विद्युत रसायन का गुण भी इसके अंदर पाया जाता है लिथियम के अंदर। 2-3 चीज़ें मैंने आपको और बता दी एडिशनल में, और लिथियम बड़ा अच्छा टॉपिक है, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाइनिंग ऑफ।